आदाब, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप इस वक्त देख रहे हैं तबस्सुम के साथ तबस्सुम टॉकीज। हवा के झोंके तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मशहूर सिंगर हसन जहांगीर ने एक ऐसा गाना गाया था जो आज तक लोगों के जहन पे छाया हुआ है। जी हाँ, हसन जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जहांगीर का मतलब है जहान पे हुकूमत करने वाला, और हसन जहांगीर का जहान है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अवामी जबानों में गाए पॉप गीत, और इन्हीं गीतों पर हुकूमत कर रहे हैं हसन जहांगीर। हम हसन जहांगीर के बहुत ही ममनून हैं, शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और अपने खूबसूरत नगमों के जरिए प्यार मोहब्बत और भाईचारे के तोहफे लाए। तो आइए मिले हसन जहांगीर से। हसन, हम सबसे पहले तो आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि हिंदुस्तान में आकर बम्बई के अलावा जहां जहां भी आपने अपने प्रोग्राम पेश किए हैं बहुत ही शानदार रहे, बहुत ही कामयाब रहे। और इन मुबारकबादियों के बाद हम अपने साइज की दुआएं आपको दें। थैंक्स रियली। अच्छा, और अब हमें ये बताएं कि हम आपको किस नाम से मुखातिब करें, हसन कहें कि जहांगीर कहें कि हसन जहांगीर कहें या फिर हवा हवा। वैसे आपको जो अच्छा और इजी लगे वही कहिए तो बेहतर होगा। तो फिर हमें ये बताइए कि आपके घर वाले आपको किस नाम से पुकारते हैं? मेरे घर में अभी तक ये फैसला नहीं हो सका, क्योंकि कुछ लोग हसन कहते हैं, कुछ जहांगीर और कुछ हसन जहांगीर। हसन, आप हमें ये बताइए कि घर की चार दीवारी से स्कूल और कॉलेज के कंपाउंड तक और फिर कला की दुनिया की खुली हवा तक आप कैसे आए? मैं बस अंदर मेरी एक बिजली भरी हुई थी, मैं सोच रहा था हमेशा कि एक दुनिया में इनकलाब लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने एक नई राह, नया स्टाइल, नई जद्दोजहद की, और उसमें अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और लोगों ने मुझे पसंद किया। हसन जहांगीर के साथ जो बातें की वो आज तक मेरे जहन में महफूज हैं, और भी बहुत सी बातें हैं मेरे जहन में जो वक्तन फवक्तन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बस आप सिर्फ इतना कीजिए कि देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।